हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अपने चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शक्करपारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस मेथड से और जो जो सामग्रियाँ मैं इस्तेमाल करूँगी वो सब का इस्तेमाल करके घर पर अगर शक्करपारा तैयार कीजिएगा तो वो शक्करपारा बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से शक्करपारा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल जिसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ मैदा। आगे इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, साथ ही इसमें मिला लूंगी रिफाइंड तेल। तो दोस्तों, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तेल है वो मैदे पर अच्छे से लग जाए, और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि आटे का डो हमारे हाथों में पकड़ाने ना लगे। तो आटे का डो हमारे हाथों में पकड़ाने लगा है तो अब इसमें हम पानी ऐड करते हुए आटा गूंथ लेंगे। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट डो जो है हमें लगा लेना है। तो गाइज, आटा बनकर तैयार हो गया है। आगे के स्टेप में हम इसकी लोइयां तैयार करेंगे। तो इस तरह से लोइयां लेनी है और इसे गोल कर लेना है। तो हथेलियों की मदद से हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। और इस तरह से चपटा कर देंगे। और अब इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे दोस्तों। तो हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे बेलते जाना है। तो ज़्यादा पतला इसे बेल नहीं देना है गाइस। देखिए, ऐसा हमें बेलकर तैयार कर लेना है। तो अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चाकू। चाकू की मदद से हम इसे सीधे सीधे काटेंगे और फिर इस तरह से हम टेढ़े टेढ़े शेप में हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से शक्करपारे हमें काट कर तैयार कर लेना है। और एक मेथड होता है गाइस, तो इस तरह से सीधा सीधा छोटा छोटा भी आप इसे काट सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सभी शक्करपारे को काट कर तैयार कर लेना है। तो सभी शक्करपारे हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। तो आगे अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में है कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दी हूँ दोस्तों। तो तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। तो हम शक्करपारे को फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दे रहे हैं। तो एक एक करके हमें सभी शक्करपारे को तेल में फ्राई होने के लिए डाल देना है। और इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो गाइस, ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाएगी तो अब इसे हम पलट लेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोस्तों, शक्करपारे हमारे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए तेल को छानकर अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सभी शक्करपारे को बनाकर तैयार कर लेना है। आगे के स्टेप में हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड की हूँ पानी। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी इसमें ऐड करूँगी और अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो गाइस, इसमें उबाल आ गया है तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और चीनी को ऐड करके अब इसे हम चलाएंगे। और अब इसमें हम उबाल आने तक वेट करेंगे। तो गाइस, इसमें उबाल आ गया है और चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो चाशनी तैयार हो गई है। तो चलिए इसे एक बार हाथों से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये चिपचिपापन आ गया है इसमें। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम शक्करपारे डाल लेंगे और शक्करपारे को डाल लेने के बाद चाशनी में इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
तो इसे एक बार इस तरह से अच्छे से चला लेना है और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। और अब इसे हम सीधे हवा में ले जाएंगे और वहाँ पर नॉनस्टॉप इसे हम मिक्स करेंगे। यह मेथड करने से जो चाशनी है हमारी अच्छे से सूख जाएगी, जिस तरह की शक्करपारे में होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही ईजी और अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।